अभी पूरे देश में बहस चल रही है अयोध्या में मंदिर बनने की, भव्य राम मंदिर बनेगा। रोज मैं बड़े बड़े महंतों संतों के भाषण सुनता हूं, लेकिन मैं उनको ज्ञानी नहीं मानता। जब वो बताते हैं कैसा मंदिर होगा तो कहेंगे कि नीचे राम लला की मूर्ति होगी, ऊपर राम दरबार होगा। किसी की जबान से मैंने नहीं सुना कि उस मंदिर में केवट की भी मूर्ति होगी, कि उस मंदिर में शबरी की भी मूर्ति होगी। रामचंद्र जी की पत्नी यानी माता सीता का जब अपहरण हुआ तो उनकी मदद कर, उनका तो भाई राजा था अयोध्या में, एक सैनिक एक आदमी अयोध्या से उनकी मदद करने के लिए नहीं आया। जब वो चलते हैं और श्रीलंका पहुंचते हैं, सारे रास्ते सिर्फ आदिवासी, सिर्फ वनवासी, सिर्फ छोटी जातियों के लोग उनके साथ गए। चाहे वो केवट उनकी मदद कर रहा था, शबरी कर रही थी, हनुमान जी कर रहे थे, कोई एक आदमी मुझे बता दें कि जो उच्च वर्ग का उनके साथ लड़ा। ये लोग लड़े, उनके सम्मान के लिए लड़े, सत्य के लिए, सच्चाई के लिए लड़े और जीते। मैं चिट्ठी लिखूंगा ऑफिशियली जिस दिन ट्रस्ट बन जाएगा मंदिर का, कि मंदिर में नीचे रामलला की मूर्ति लगाई है, लेकिन ऊपर के दरबार में जो राम दरबार होगा उसमें उन सारे कैरेक्टर्स को डिपिक्ट करिए जिन्होंने रामचंद्र जी की मदद की। उनको कभी इग्नोर मत करिए, वो है असली भारत।